जालौर सांसद देवजी एम पटेल के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल किए जा रहे वीडियो मामले में जालौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चितलबाना क्षेत्र से भीकाराम बिश्नोई नामक एक युवक को दस्तयाब कर लिया है। अन्य उन लोगों की भी जाँच की जा रही है जिन्होंने इनके नाम से जोड़कर शेयर किया है। इधर सांसद ने दो बड़े चेहरों पर वीडियो वायरल करने को किसी प्रेरित करने का आरोप लगाया है। सांसद देवजी एम पटेल की ओर से उनके हम सकल व्यक्ति के वीडियो को उनके नाम से जोड़ते हुए वायरल कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। इस संबंध में चितलबाना थाना में बिशन लाल की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने एक युवक को दस्तयाब कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति युवती के साथ नृत्य कर रहा है, जिसमें व्यक्ति केवल अंतर्वस्त्र ही पहने हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर शरारती तत्वों की ओर से उक्त व्यक्ति को जालौर का सांसद देवजी एम पटेल बताकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर सांसद देवजी एम पटेल को पता चलने पर सांसद ने जालौर SP हर्षवर्धन अग्रवाल को शिकायत लिखकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। किसी अन्य वीडियो के साथ मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी मैंने SP को शिकायत की है। जिन लोगों ने इसे शेयर किया है उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर पुलिस को दिए जा रहे हैं। पुख्ता जानकारी यह भी सामने आई है कि संचौर और रानीवाड़ा के दो बड़े राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने युवकों को इस वीडियो को उनके नाम के साथ जोड़ते हुए वायरल करने को प्रेरित किया है। इसका भी जल्द खुलासा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में, अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। और यदि आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।